हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण पैसेज दिखा रहा हूँ। इस पैसेज के माध्यम से मैं आपको नोट्स मेकिंग, टाइटल और समरी निकालना और बनाना मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी है नोट में, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ठीक है? तो ध्यान पूर्वक पढ़िए इस पैसेज को, और इस पैसेज को पढ़कर नोट्स का टॉपिक बनाइए, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, आपको टाइटल निकालना है। नोट्स का जब पॉइंट बन जाएगा, फिर टाइटल, फिर अंत में समरी। इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं वो कुल मिला के 8 नंबर का होता है, और 8 नंबर के प्रश्न में 4 नंबर का आपका नोट्स होता है और 4 नंबर का आपका समरी होता है, जिसमें टाइटल भी शामिल है। तो ये सारी चीजें जब आप कंप्लीट कर लोगे तब आपको कुल मिला के 8 नंबर मिलेगा, ठीक है? तो बहुत आसान होते हैं ऐसे प्रश्नों को बनाना। चलो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो क्या लिखा है भाई यहाँ पे, वन ऑन संडे इवनिंग देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द गोविंद देवजी टेम्पल। मतलब संडे का दिन था, ठीक है, शाम के समय की बात है। गोविंद जो टेम्पल है भगवान के, गोविंद मतलब कृष्ण भगवान की बात है ना, तो गोविंद जी टेम्पल गए थे, ठीक है, ये लोग। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नोट से जब मैं पॉइंट बनाऊंगा तो यहाँ से मैं किसी पॉइंट को उठा लूंगा, ठीक है? नोट से बनाऊंगा तो क्या करूंगा, पॉइंट को। तो मैं यहाँ पे क्या उठा लेता हूँ, यहाँ पे बिग क्राउड एट द गोविंद देवजी टेम्पल मैं उठा लेता हूँ। तो नोट्स का जो पहला पॉइंट है वो मेरा बन जाएगा, और उस पहले के अंदर कम से कम 2-3-4 टॉपिक क्या करना है आपको और रखना है। तो पहला पहला नोट्स बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको लिख देना है नोट्स, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद पहला नंबर डाल देना, और पहला नंबर डालने के बाद इस टॉपिक को लिख लेना, ठीक है, बिग क्राउड एट, बिग क्राउड एट द, क्या है, द है ना, द गोविंद गोविंद देवजी टेम्पल, ठीक है, इसको ले लेंगे। अब इसके अंदर फिर कुछ पॉइंट लिखेंगे। तो पहला पॉइंट इस तरीके से दे देता हूं। अब पहला पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा, तो देखो यहीं से हमें मिल जाएगा, देयर वेयर मेनी वुमेन स्टैंडिंग एट द फ्लावर शॉप, प्रसाद एंड अदर शॉप। तो मैं क्या करूँगा, देखो जब मैं टेम्पल गया था तो टेम्पल जाऊँगा तो क्या करूँगा, फ्लावर लेके जाऊँगा, प्रसाद लेके जाऊँगा, ठीक है, चढ़ाने के लिए। तो ये टॉपिक मुझे बहुत मज़ेदार लगा, तो मैं क्या करूँगा, इस टॉपिक को ले लूँगा। तो यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है उसमें आपको लिखना है फ्लावर शॉप प्रसाद शॉप एंड अदर शॉप्स, ठीक है, ये पूरा टॉपिक मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा पहला में, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इसके दूसरा पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा, आगे देखो, सम ऑफ देम वेयर हैविंग ग्लिटरिंग गोल्डन चैन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक दिया ना, इसको ले लूंगा, ठीक है, छोटा सा टॉपिक, इसको मैं ले लेता हूँ। तो ये कुछ मजेदार लगा तो इसको ले रख लेते हैं, ठीक है, ठीक, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं पूरा लिख लूंगा। तो तीसरा जो पॉइंट रहेगा, चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको भी यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट में एच ए हैविंग ग्लिटरिंग गोल्डन चैन, ठीक है, यहां तक के मैं क्या करूंगा, लिख लूंगा, ठीक है, ठीक। यहाँ पे नीचे मैं कुछ लगा देता हूँ, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, साइड में भी नहीं है और ये पेजेस है। चलो अब देखते हैं आगे, देखो इसके बाद तीसरा पॉइंट में मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद तीसरा पॉइंट में मैं, देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, इसके बाद दे वेयर आल्सो रेडी टू गो विद देयर रिलेटिव आफ्टर शॉपिंग, ठीक है, सडनली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना मज़ेदार टॉपिक ये भी लग रहा है, रिलेटिव वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे रिलेटिव को क्या कर दूंगा, यूज कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखो गो विद देयर रिलेटिव,
या फिर आल्सो से लेके ना पूरा ये टॉपिक मैं क्या कर दूंगा, यूज कर दूंगा, या फिर सीधा छोटा सा टॉपिक बनाने के लिए इस पूरे पॉइंट को ले लो, रिलेटिव आफ्टर शॉपिंग ले लो। ठीक है, ये मजेदार लग रहा है, रिलेटिव आफ्टर शॉपिंग। तो यहाँ पे मैं तीसरा टॉपिक में ले लूंगा, ठीक है, क्या ले लूंगा देख लेता हूँ, क्या था क्या था क्या था, कहाँ है भाई, हाँ ये रहा रिलेटिव आफ्टर शॉपिंग, ट्यूज आफ्टर सेचो शॉपिंग। ठीक है, ये टॉपिक मैं ले लूंगा। ठीक है, तो पहला के अंदर तीन टॉपिक बन गया। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक ढूंढते हैं। तो दूसरा में मैं क्या लूंगा, देखो इसके बाद सडनली आ मोटरसाइकिल स्टॉप दे, तो मोटरसाइकिल स्टॉप दे ये ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, मोटरसाइकिल स्टॉप दे। तो दूसरा पॉइंट जो बन रहा है वो बन रहा है क्या है, मोटर साइकिल स्टॉप्ड। ठीक है, ये दूसरा बन गया। अब इसके अंदर फिर पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट के अंदर कम से कम कितना लिखना है, दो से तीन चार टॉपिक इस तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है पॉइंट। तो चलो देखते हैं इसके अंदर मैं क्या पॉइंट ले सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं ले सकता हूँ, देखो दे आस्क्ड अ लेडी द टाइमिंग ऑफ द दर्शन, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ। ठीक है, टाइमिंग ऑफ द दर्शन इसके अंदर जो टॉपिक है उसमें मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, टाइमिंग ऑफ द दर्शन, तो यहाँ पे मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं बताते चलूंगा। मैं पॉइंट को लिखूंगा कि हाँ ये पॉइंट है, तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, टाइमिंग ऑफ द दर्शन को ले लेना। ठीक है, इसके बाद एंड वे ऑफ द गार्डन इसको छोड़ दो, द अपियर जेंटल एंड सिंपल, हाँ इसको ले लो, अपियर्ड जेंटल एंड सिंपल दूसरा पॉइंट लेना इसका। ठीक है, इसका तीसरा पॉइंट में क्या लिखना है, तीसरा पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वेरिंग अ गोल्डन नेकलेस लिखा है, इसको ले सकते हो या छोड़ दो, और मजेदार टॉपिक ढूंढते हैं। ठीक है, यहाँ पे मजेदार टॉपिक ये देखो, ये वाला टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, स्नैच्ड द नेकलेस एंड फीट अवे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरा टॉपिक। ठीक, तो दूसरे के तीन टॉपिक जो हमें लेना था, तीनों टॉपिक आपको मिल गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, इसके बाद तीसरा पॉइंट बनाना है ना, तो द लेडी वेन कम टू नाउ अबाउट द इंसिडेंट, तो इसको ले लेते हैं। ठीक है, नाउ अबाउट द इंसिडेंट, तो ये जो तीसरा टॉपिक है मैं यहाँ पे तीसरा को लिख देता हूँ, दूसरा के तीनों टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक क्या लिखूंगा, नाउ अबाउट द इंसिडेंट। अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है, तो नाउ अबाउट द इंसिडेंट, इसके अंदर फिर तीन टॉपिक लिखेंगे। तो चलो उन तीनों टॉपिक को ढूंढते हैं, तो क्या क्या मैं टॉपिक ले सकता हूँ इन तीनों के अंदर। तो एक जो टॉपिक है ये कैरिज लॉडी, ठीक है, इसको ले लेता हूँ, कैरिज लॉडी को पहला टॉपिक हो गया मेरा। ठीक है, बट द पीपुल एक्सपेक्ट शूटिंग कुड डू नथिंग, तो इसको ले लेता हूँ। ठीक है, पीपुल एक्सेप्ट शूटिंग, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा ये, और इसमें क्या है, नथिंग जुड़ा है ना, तो नॉट लगा के इसको यूज करेंगे। तो या तो पूरा पॉइंट लिखो या फिर पीपल एक्सपेक्ट नथिंग नॉट डाल दो, ठीक है, इतना कर देना, तो ये दूसरा हो जाएगा। फिर और पॉइंट देखते हैं, ए पर्सन गिव, ठीक है, इसको भी ले लो तीसरा पॉइंट में, ए पर्सन गिव अ कॉल, ठीक है, इसको ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट जो बनेगा वो पीसीआर वेन को बना दो, यहाँ से आगे से पीसीआर वेन को हम क्या करेंगे, चौथा पॉइंट बना देंगे। चौथा मतलब ये वाला चौथा ना, तीसरा का तीसरे के बाद उसके तीनों पॉइंट मिल गए, तो चौथा हो जाएगा पीसीआर वेन। ठीक है, इसके अंदर आप चार चार या तीन पॉइंट और लिखेंगे। ठीक है, तीन चार पॉइंट, तो इसको मैंने क्या बना दिया, दूसरा पॉइंट बना दिया। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ, पहला पॉइंट लिख सकता हूँ पुलिस कम विथ, ठीक है, पुलिस को हम बुला रहे हैं, तो पुलिस कम विथ मैं पहला पॉइंट बना लेता हूँ, ये पुलिस कम विथ को कर देता हूँ पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या करूंगा, यहाँ पे देखो अश्योर टू सर्च हर नेकलेस, क्योंकि पुलिस आएगा क्या करेगा, सर्च करेगा ना नेकलेस, तो ये पॉइंट दूसरा मेरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं क्या करूंगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे, हाँ इसको ले लेते हैं, नॉट
ये टू होगा, यहाँ पे ये बन दिया नॉट टू वियर गोल्डन ऑर्नामेंट, ठीक है, इसको ले लेंगे तीसरा पॉइंट। तो इसके चारों पॉइंट बन गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी क्या कहना चाहता है। देखो मंदिर गए, मतलब मंदिर दर्शन, भगवान के दर्शन करने गए, उसके साथ गार्डन उडन, और भाई जाएंगे तो वहाँ पे आसपास में गार्डन तो रहेगा, ठीक है, उसको भी घूम लेंगे। तो इस प्रकार से मतलब मंदिर घूमने गए तो गाड़ी उड़ी में बैठे, और गाड़ी में बैठे तो गाड़ी के पीछे में क्या था, एक लुटेरा जैसा था, वो पता नहीं था कि लुटेरा है, ठीक है, वो चोरी कर लिया, चोरी कर लिया किसके, चैन को। तो चैन को लूट लिया या चोरी कर लिया तो हम लूट लिया कहेंगे, ठीक है, या गाड़ी में आया वो लूट के ले गया, तो चैन स्नैप क्या हो जाएगा, चैन स्नैच्ड। तो यहाँ पे देखो एक यहाँ पे टॉपिक है स्नैच्ड, मतलब लुटेरा जो है लूट के ले गया। तो ये पूरी कहानी जो है ना एक चैन के ऊपर है, और चैन को जो लुटेरा लूट के ले गया तो उसको क्या कहते हैं, स्नैच्ड। तो चैन को गला में जैसे पहने तो गला से झीक के ले जाते हैं बाइक सवार, उसी प्रकार से। तो ये पूरा स्टोरी जो है ना वो चैन स्नैच्ड के बारे में है, और उसको ढूंढने के लिए पुलिस को बुलाए कि वो चोर जो है, जो लुटेरा है वो लूट के ले गए, उसको ढूंढने के लिए। तो ये पूरा प्रक्रिया हुआ है, इसी के लिए कहानी है। तो इसका जो टाइटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चैन स्नैच्ड। तो यहाँ पे अगर टाइटल जैसे लिखोगे, ठीक है, टाइटल क्या लिखोगे, चैन स्नैच्ड, ठीक है, ये हो जाएगा चैन स्नैच्ड, इसके टाइटल हो जाएंगे, ठीक ठीक है। अब इसके समरी पे आ जाते हैं, बात करते हैं तो चलो समरी देख लेते हैं। समरी तो और आसान होता है, क्या करना है, जो जो कहानी हुआ है उसमें से बहुत से चीजों को काट देना है, ठीक है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो उसमें से जैसे मंदिर घूमने गए, गार्डन घूमने गए, उसको नहीं करेंगे। मंदिर घूमने गए थे, मंदिर से हमारा चैन जहां से चोरी हुआ वहां से बताएंगे ना, ठीक है, कैसा हुआ प्रक्रिया, वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे ऑन संडे इवनिंग, ठीक है, यहाँ पे दिया है, तो मैं ऑन को हटा के ना इट वास कर देता हूँ, कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि हम ज्यादातर कहानी को इट से शुरू करते हैं। तो इट वास संडे इवनिंग, देयर वास अ बिग क्राउड एट द गोविंद देवजी टेम्पल, इसको ले लेंगे, ठीक है, यहाँ तक के, ठीक, इसके बाद आगे को नहीं लेंगे, ठीक है, इसको पूरा हटा दो। हाँ, उसके बाद क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो, उसके बाद ना मंदिर जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, फ्लावर उलावर खरीदेंगे मंदिर जा रहे हैं, तो फ्लावर साहब प्रसाद एंड अदर शॉप्स, इसको भी ले लेंगे, ठीक है, ये भी कुछ अच्छा टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद है सम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्या ले सकते हैं, सम ऑफ दे वेयर हैविंग ग्लिटरिंग गोल्डन चैन, नहीं इसको नहीं लेते हैं, ठीक है, ये मजेदार नहीं है। सम ऑफ इसके बाद यहाँ पे सीधा आल्सो रेडी टू गो विथ देयर रिलेटिव, ठीक है, आफ्टर शॉपिंग। उसके बाद ना वो लोग कहाँ गए, शॉपिंग करने के लिए चले गए सीधा, ठीक है, मंदिर में प्रसाद उसाद चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाने के बाद वो जो शॉपिंग खरीद, जो शॉप से जाना था वो हो गया पूरा काम, उसके बाद अपने रिलेटिव के साथ कहाँ चले गए, शॉपिंग करने चले गए। इस तरीके से पॉइंट बनाते जा रहे हैं, मतलब समरी बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, फिर यहाँ पे इसको ले लो, सडनली अ मोटरसाइकिल स्टॉप्ड, ठीक है, बाइक में बैठे हुए थे तो उस समय क्या हुआ, मोटरसाइकिल स्टॉप्ड हो गए, ठीक है। आगे देखो, इसके बाद दे आस्क्ड अ लेडी द टाइमिंग ऑफ द दर्शन, ठीक है, और क्या करें, एंड वे टू गार्डन। तो इसमें कुछ खास पॉइंट तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसमें इसको छोड़ दो, क्या क्या कर रहे हैं इसमें, इसमें अभी चैन लुटाया नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इतना पॉइंट नहीं लेंगे, सीधा चैन के पास पहुँचते हैं हाँ, यहाँ भी कुछ मजेदार पॉइंट नहीं है। हाँ, वाइल्ड इंजन मोटरसाइकिल वास ऑन सडनली, हाँ यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सडनली द बैक, यहाँ पे, ठीक है, तो द यहाँ पे बैक सीट पर्सन ले लेते हैं, ठीक है, द बैक सीट पर्सन, ठीक है, पीछे में जो बैठे हुए जो भी व्यक्ति है, ठीक है, बैक सीट पर्सन पर्सन स्नैच द नेकलेस एंड फिड अवे, ठीक है। तो गाड़ी में जो भी चीज, गाड़ी में मान लो बैठे हैं और बैक सीट में जो बैठे हुए दूसरे गाड़ी में आ रहा है, वो व्यक्ति क्या के चैन को छीन के ले गया। तो डायरेक्ट हम कहाँ से, वहां से देखो, बहुत सारे टॉपिक को स्किप करते हुए सीधा कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। वहां पे कुछ मजेदार नहीं था, क्या के कह रहे हैं, कैसे कैसे कह रहे हैं वो दे रहा था ना। तो हमें क्या करना है, चैन स्नैचिंग इसका टाइटल है, तो हम उसी से रिलेटेड पूरी चीजें बताएंगे क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको ले लूंगा, ठीक है, इस प्रकार से हुआ है, एंड फिड अवे, ये मैंने ले लिया, ठीक है। फिर द लेडी वेन कम टू नाउ अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट इसको लेना चाहो तो ले सकते हो,
ठीक है, इंसिडेंट हो गया, इस प्रकार से इंसिडेंट हुआ कह के ये पूरा आपको बता देना है, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर इसके बाद पुलिस को बुलाएंगे। तो देखो आगे वाला टॉपिक क्या है, हाँ यहाँ पे देखो, ए पर्सन गिव अ कॉल टू पीसीआर वैन ऑफ द पुलिस, ठीक है। तो पुलिस को बुला रहे हैं, पीसीआर वैन के माध्यम से पुलिस को हम क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं, ठीक है। तो कम विथ इन अ, नहीं लेंगे ये मजेदार नहीं है, हाँ। तो पुलिस आएगा क्या करे, सर्च करेगा ना, तो दे एश्योर टू सर्च हर नेकलेस, उन्होंने क्या किया, पुलिस आया तो सर्च कर रहे हैं नेकलेस को। फिर पीपुल वेयर, इसको भी हटा दो, सेइंग टू द पेसर बाई लेडीज नॉट टू वियर गोल्डन ऑर्नामेंट, ठीक है, इसको भी ले लेना, एट सच अ क्राउडी प्लेस, पुलिस को हटा देना, ठीक है, क्राउडी प्लेस लिख लेना, क्योंकि पुलिस क्या कह रहा है, सर्च कर रहा है और ये काफी खतरनाक जगह था जहां पे चोरी हुआ है, तो ये सब चीज बता रहे हैं ना, तो ये पुलिस वर्ड को हटा दो, उसके बाद पूरा लिख दो। तो इस प्रकार से क्या हो गया, चैन की जो चोरी हुआ है और किस प्रकार से उन्होंने ढूंढने की कोशिश की, तो ये पूरी बातें और पूरी प्रक्रिया क्या होगा, समरी में आपको लिखना है। और बहुत सारी जो फालतू चीजें थी जो कर रहे थे उनके द्वारा, जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, उसके बाद जब लौटते हो, तो लौटते हो क्या करते हो, चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं, चलो वहां घूमने चलते हैं, ठीक है, ऐसे ही होता है ना अंत में। तो ये सारी चीजें मैंने हटा दी स्किप करके, जो मेन टारगेट था उस पर फोकस किए ना, कि हम कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे हुआ, उसके बाद यहाँ पे आए, तो यहाँ पे लुटेरा जो है वो लूट के ले गया, फिर पुलिस को हमने बुलाया, पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस ने ये प्रक्रिया किया, उसके बाद जो भी हुआ, चैन मिला या नहीं मिला, ठीक है, ये प्रक्रिया पूरा पुलिस के द्वारा किया जाएगा, और ये जो प्लेस है वो काफी खतरनाक है, ऐसे जगहों पे आपको नहीं घूमना चाहिए, इस तरह से ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है। तो इस प्रकार से समरी जो है आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद मैं और कोई भी वीडियो नहीं लाऊंगा समरी से संबंधित, और न ही टाइटल से और न ही नोट्स से, ठीक है। इसके बाद मैं अगला टॉपिक बताऊंगा सेक्शन बी वाला। तो सेक्शन ए में कुल मिला के 20 नंबर का आपके, सेक्शन ए से कुल मिला के 20 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में आने थे, ठीक है। अब सेक्शन बी से जो जो टॉपिक रहेगा उसको मैं आपको बताऊंगा। तो सेक्शन ए खत्म।